राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से हम कन्या राशि और लग्न वालों के लिए 2024 में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। इस सीरीज में हम प्रत्येक राशि के बारे में अपने चैनल पर आपको बताएंगे, तो आप जिस भी राशि और लग्न के व्यक्ति हैं, जातक हैं, तो शनि का प्रभाव 2024 में कैसा रहेगा इसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कन्या राशि और लग्न वालों की चर्चा कर रहे हैं। कन्या राशि और लग्न वालों के लिए यदि प्रमुख ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुंडली कुछ इस तरह से बनती है। उनके प्रथम भाव में कन्या राशि में पूरे वर्ष भर केतु विराजमान रहेंगे। राहु उनके सप्तम भाव में पूरे वर्ष भर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि देव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में स्वयं की राशि में कुंभ राशि में पूरे वर्ष भर संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे और 1 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि और आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में संचरण करेंगे। अब शनि देव की स्थिति देखी जाए तो शनि देव पूरे वर्ष भर आपके छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ शनि देव की चर्चा हम कर रहे हैं। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि देव अस्त रहेंगे। 29 जून से 15 नवंबर के बीच शनि देव इस साल बकरी रहेंगे। अब चर्चा करते हैं कि कन्या राशि और लग्न वालों के लिए 2024 में शनि देव किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं। ये आपके छठे भाव में संचरण करेंगे, स्वयं की राशि में रहेंगे कुंभ राशि में, तो ये भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ पर कुंडली में शनि के गोचर के दौरान आपको अपने कैरियर में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। मई 2024 के बाद कैरियर में आपको अपनी किस्मत का साथ भी मिलेगा जब देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। आपकी संपन्नता में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी। कन्या राशि और लग्न वालों को इस साल यदि किसी लोन की आवश्यकता है तो शनि देव की कृपा से उन्हें आसानी से लोन भी मिल जाएगा। और यदि उनके ऊपर कोई कर्ज है, यदि वो अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो इतना धन लाभ होगा कि वो अपना कर्ज भी चुकता इस साल कर सकते हैं। कैरियर के मामले में जो लोग नौकरी करते हैं उनको भाग्य के सहारे बैठना नहीं, जो लोग परिश्रम के साथ इस साल काम करेंगे तो शनिदेव उनका सहयोग करेंगे, उनको प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी दिला सकते हैं। इस साल आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है, स्थानांतरण भी हो सकता है, यानी किसी दूसरे राज्य में भी आपको काम के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। आप सच्ची लग्न और मेहनत के साथ यदि आप इस साल काम करेंगे तो शनिदेव आपका प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी आपको करा करके देंगे। इसलिए जो लोग नौकरी करते हैं वो मन लगा करके अपना काम करें, इसी तरह व्यापारी वर्ग भी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें तो उनको अच्छा धन प्राप्त होगा। 29 जून से 15 नवंबर के बीच जब ये शनिदेव बकरी होंगे तब चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापारी हैं तब आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। आप कोई भी लेन देन करते हैं तो बहुत सोच समझ करके पैसे का लेन देन करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में किसी पर आंख बूंद करके भरोसा ना करें, यानी कि सभी कागजों को स्वयं जांच करके इस समय के दौरान जब शनिदेव बकरी रहेंगे तब विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जब 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच शनिदेव अस्त रहेंगे इस समय में भी आपको अच्छे परिणाम कम मिलने की उम्मीद है, इसलिए नौकरी और व्यापार दोनों स्थानों पर आपको सचेत रहना होगा, मेहनत से काम करना होगा, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। 18 मार्च के बाद जब शनि देव स्वयं की राशि कुंभ में उदय होंगे तब आपको अच्छी सफलताओं के योग मिलेंगे। इसके साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपकी नवम भाव में जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे, तब यहाँ पर आपको देव गुरु बृहस्पति का भी शनि देव के साथ लाभ मिलेगा, तो आपको स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं तो वो उत्तम रहेगा। लेकिन 2024 में कन्या राशि और लग्न वाले लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें, लिखा पढ़ी पूरी तरह अच्छी तरह से करें तो उनको शनि देव की कृपा से उत्तम लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं उपाय की।
शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा के जितने अधिक पाठ कर सकते हैं पाठ करें। शनिवार के दिन शनि देव का तेलाभिषेक करें, शनि वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं और गरीब लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दान करना चाहते हैं वो दान करें, तो शनि देव आपको 2024 में अच्छी सफलताएं दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने बताया कन्या राशि और लग्न वालों के लिए 2024 में शनि किस तरह का प्रभाव डालेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।